की रात को शहर भर के ताजे भ्रमण पर निकले। इंदौर के कई इलाकों से घूमकर वापस अपने अपने स्थान पहुंचे। सभी ताजे और अखाड़े बड़े ही धूमधाम से निकले। सबसे पहले सरकारी ताजा निकला, फिर शहर के छोटे से बड़े ताजे निकले। इसी बीच से मल्हार पलटन जिंसी से ताजे के साथ अखाड़ा भी निकला। इस ताजे की खासियत यह रही कि यह ताजा तकरीबन 13 क्विंटल का है और इसे बनाने में 6 महीने से भी ज्यादा समय लगा। इस ताजे में अलग अलग तस्वीरें बदलती और इसे शहर के बाहर से लाया गया है। यह ताजा आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं चंदन नगर से भी एक बड़ा ताजा चल समारोह में शामिल हुआ, जो बड़ी ही शान और शौकत से निकला, जिसे बड़ी ही मेहनत से और ढोल व बैंड बाजों के साथ लाया गया। इन सभी अखाड़ों और ताजों के खलीफाओं और उस्तादों का मंचों द्वारा स्वागत हुआ और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। ये सभी ताजे और अखाड़े मुहर्रम की 10 तारीख को योम अंशुरा पर कर्बला के लिए रवाना होंगे। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट।